वास्तविक अर्थ क्या होता है। गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें परंपरागत राजा या रानी के शासन के बजाय जनता द्वारा ही चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से शासक चुने जाते हैं जो जनता के ऊपर राज करते हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भले ही 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई हो, लेकिन उस वक्त हमारे देश के पास संविधान नहीं था। इसी क्रम में एक संविधान समिति का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को उस संविधान समिति की पहली बैठक हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन निरंतर परिश्रम करने के बाद उस संविधान समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बना लिया। लेकिन अब आइए इससे 20 साल पहले की स्थिति को जानते हैं। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी के साथ उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया था। इसी 26 जनवरी 1930 की याद में हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 की बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा भारत देश एक गणतंत्र देश बन गया। यह एक ऐतिहासिक दिन है और इसी ऐतिहासिक दिन की 75वीं सालगिरह पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियाँ हासिल की हैं और इन्हीं उपलब्धियों की जश्न और उत्सव मनाने का दिन है। संविधान बनाने वाले महापुरुषों के साथ साथ हमें आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करना चाहिए। हमें इसके साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग खासकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सतत प्रयास किए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारी संवैधानिक प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यह भीषण गरीबी और निरक्षरता के चक्र में फंसा हुआ था, लेकिन 7 दशकों की निरंतर मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद तक पहुँच चुका है। परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका हमारा देश आज विकसित देशों की सूची में शामिल होने की दहलीज पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोविड-19 की महामारी के दौरान विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे कुछ हानि पहुंची। लेकिन अपने निरंतर मेहनत और परिश्रम के साथ आज जहाँ जर्मनी जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएँ नकारात्मक वृद्धि कर रही हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 6 से 7% की सकारात्मक वृद्धि के साथ सबसे ऊपर अपना स्थान बनाए रखे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। इस बार के गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। इससे पहले 2016 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रपति को भारतीय सेना द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी दिन अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान भी वितरित किए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियां
भारत की विविधता में एकता की एक झलक प्रस्तुत करती है और इस दिन भारत के अनेक राज्य अपनी अपनी झांकियां लेकर प्रस्तुत होते हैं और भारत की तीनों सेनाएं नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टोलियां आपस में मिलजुल कर भारत की सेना की ताकत प्रदर्शित करती हैं। आज देश में समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे भारत देश की विकास गाथा के अब तक के योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। इनमें किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और पुलिस बलों की भूमिकाओं की सराहना करनी चाहिए। हमें देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करनी चाहिए। देश की प्रगति में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर जवानों और सैन्य कर्मियों की भी हमें सराहना करनी चाहिए, जो किसी भी वक्त अपने त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। हमें उनके जज्बे, शौर्य व हिम्मत को सलाम करना चाहिए। हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद और अशिक्षा जैसी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटना चाहिए। जब तक हम अपने देश को ऐसी समस्याओं से आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद आयुष। अनन्या, तुम्हें एक पहेली दे दी जाए। मैं देखूंगी जरूर हर जगह, लगूंगा हर जगह, चढ़ जाता हूँ हर जगह, बताओ मैं कौन हूँ। मैं वापस से बोलती हूँ, मैं दिखूंगा जरूर हर जगह, लगूंगा हर जगह, चढ़ जाता हूँ हर जगह, बताओ मैं कौन हूँ। ये तो मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। अरे अनन्या, इसका उत्तर तो रंग है। ये रंग को छोड़ दे, आजकल तो सतरंगा चल रहा है, ये रंग पर कौन ही ध्यान देगा। अभी के लिए भले ही सतरंगा चल रहा है, पर हर भारतीय के दिल में आज भी और हमेशा ये तिरंगा ही बसा रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय के प्राथमिक छात्रों को प्रकार प्रेजेंटेशन के लिए। सभी को सुप्रभात और 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं अद्विका, कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। विद्यालय जीवन का आधार होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस विद्यालय की छात्रा होने के नाते मुझे मेरे विद्यालय से कुछ अपेक्षाएं हैं जो निम्नवत हैं। पहला, पढ़ाई का स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण। दूसरा, गुण वातावरण शिक्षा। तीसरा, बेहतरीन मूलभूत सुविधाएं। चौथा, आदर्श एवं गुणवान शिक्षक। पांचवा, समृद्ध पुस्तकालय। छठा, खेल कूद के मैदान। सातवा, हरे भरे बाग बगीचे। आठवा, छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले। नौवा, खेल खेल में शिक्षा। दसवा, बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा। ग्यारहवा, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट बोर्ड। बारहवा, बेहतरीन रिजल्ट। धन्यवाद एवं शुभ। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे प्राथमिक छात्रों द्वारा, धन्यवाद अद्विका। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को नृत्य के लिए। Oh,
से आते हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, लिखो कब लाओगे, कि तुम देंगे
बाबा, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये गाना तो सुना ही होगा। हाँ रंगिया, ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए अब मैं बताना चाहूंगी दिशा कक्षा 11 की छात्रा को हिंदी में भाषण के लिए, जिसका विषय है मेरे विद्यालय से मैं क्या चाहती हूँ। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर बधाइयां। नमस्कार, मैं रीता सिंह मौर्य कक्षा 11 की छात्रा। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मुझे दिए गए विषय विद्यालय से मेरी क्या अपेक्षाएं हैं पर एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा हम सभी के जीवन का मुख्य हिस्सा होती है। शिक्षा के बिना प्रत्येक मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा ही हमें दूसरों से अलग करती है। शिक्षा ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। शिक्षा ही वह पहली चिंगारी है जो कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय की ओर आने को प्रेरित करती है। मेरे अनुसार विद्यालय से मेरी ये अपेक्षाएं हैं। मेरे विद्यालय में बिताया गया हर पल यादगार हो और वह हमारे जीवन की आधारशिला को रखने में मददगार साबित हो। मेरा विद्यालय जीवन के मूल सिद्धांतों के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करे। विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाए वह प्रत्येक बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आदर्श मूल्य और सिद्धांतों को स्थापित करे। मेरा विद्यालय मेरे जीवन को बेहतर करने के लिए मुझे एक मंच प्रदान करे, जिसके माध्यम से मैं बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण की ओर बढ़ सकूँ। मेरा विद्यालय मेरे शहर के सम्मानित स्कूलों में से एक हो, जो कि मुझे गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करे। मेरा विद्यालय मैं बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा का अवसर प्रदान हो, जिसके आधार पर मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। मेरे विद्यालय में पुरानी शिक्षा पद्धति के साथ सब आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, जो कि हमें ज्ञान के साथ साथ नैतिक आचरण भी प्रदान करे। मेरा विद्यालय छात्रों में अच्छी आदतों के साथ मूल्यों का विकास करे, जो कि प्रत्येक छात्र को कुशलता के साथ साथ निपुण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मेरा विद्यालय केवल अकादमिक संस्थान ना होकर एक परिवार के रूप में कार्य करे, जहां पर आने वाला हर एक छात्र अपने को विद्यालय का अभिन्न अंग समझे। मेरा विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाए, ताकि छात्र विद्यालय से निकलने के बाद एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद टीचर। अब मैं बुलाना चाहूंगी माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को नृत्य के लिए। Thank you.
क्या कोई बारे राम यहाँ अपनी भी थोड़ी अड्डा थोड़ा अंदाज achievements. And
as a part of respect. We conduct so many programs in our school with the help of our teachers, like the G20 quiz competitions, various painting competitions, which motivate the children to work hard and prove their talents. So on this occasion, I convey my greetings to one and all. Happy Republic Day. We should all abide by the Constitution. We should give respect to the ideas, whatever the men are mentioned in the Constitution. Thank you. Thank you for wishing me. My name is Ganesh. I am studying in second class. I am becoming a pilot. Buddhu bana rahe hai, jao. Jao, ye nana kaise bol ke? Chale. Abhi ruko. ये होता है महंगा मोबाइल। रुको। रुक जाओ, हम भी हैं। आ जाओ। अब तो चल। खींचोगी? एक मिनट। Same to you, madam. Come. Are you alone?